नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रसार भारती बहुत ही जल्द अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है, ओटीटी ऐप लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों। और इसी के अंतर्गत जो कंटेंट उस पर दिखाई जाएंगी, प्रसार भारती इस पर एक कदम और आगे बढ़ गया है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 24 सितंबर 2024 का, जो कि प्रसार भारती के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां पर प्रसार भारती ने साफ साफ मेंशन किया है और उसमें जो भी बातें निकल करके आ रही है दोस्तों, उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि 50 फिल्मों के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं, जो कि डिजिटल और लीनियर प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किए जाएंगे प्रसार भारती के दोस्तों। डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, जो लीनियर प्लेटफॉर्म है यानी कि डीडी फ्रीडिस है, उस पर भी प्रसारित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इस पर मुख्य बातें क्या हैं, तो मुख्य बात यही है दोस्तों कि जो ब्रॉडकास्टर्स या फिर जो ब्रॉडकास्टर्स कह लें या फिर जो डिजिटल टीवी राइट्स ऑनर्स हैं उन फिल्मों के, वो संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का माध्यम क्या है दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, 20 अक्टूबर तक जमा करना पड़ेगा। जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 24 सितंबर 2024 का है, नोटिस फॉर इनवाइटिंग फीचर फिल्म प्रपोजल्स फॉर सोर्सिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड फीचर फिल्म्स। दोस्तों सोर्सिंग ऑफ ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड फीचर फिल्म्स का मतलब यह है कि जो फिल्म प्रसारित हो चुकी हैं लेकिन 5 साल से ज़्यादा पुरानी न हो। और काफ़ी शर्तें हैं दोस्तों, काफ़ी नियम है इसमें। अगला नियम यह है कि एक्सक्लूसिव टीवी प्रीमियर अगर बोल करके सोर्स किया जा रहा है कंटेंट को, प्रसार भारती को दिया जा रहा है, तो ऐसा एक्चुअली होना भी चाहिए कि किसी भी टेलीविज़न प्लेटफॉर्म पर उस फिल्म को न दिखाया गया हो। और अगर डिजिटल प्रीमियर, तो डिजिटल प्रीमियर बताया जा रहा है दोस्तों, तो किसी भी अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन फिल्मों का प्रसारण न किया गया हो। तो दोस्तों बिल्कुल नई फिल्म जो थिएटर में रिलीज हो चुकी है, नई फिल्म से हमारा मतलब कम से कम 5 साल पुरानी, तो अब उसका प्रसारित करने के लिए प्रसार भारती जो कि डीडी फ्रीडिस पर करेगा या फिर जो टीटी ऐप है उस पर करेगा, ये एप्लीकेशन उसी संदर्भ में इनवाइट किया गया है। तो जो इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, जो भी मीडिया हाउसेस प्रोडक्शन हाउसेस जो इंटरेस्टेड हैं, वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जो पूरा नियम है, जो पूरी पॉलिसी है दोस्तों, वो बताई गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रसार भारती के, जो कि 9 अगस्त 2024 का अपडेट है, जिसमें कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी है दोस्तों। वो कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत ही सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जितनी भी फिल्मों, जितने भी प्रोडक्शन हाउस से आते हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें जो कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी है दोस्तों, उसके आधार पर नंबर्स दिए जाएंगे और 100 में 75, फिर 74, इस तरीके से दोस्तों ग्रेडिंग होगी। और ग्रेडिंग का क्राइटेरिया भी बताया गया है, उस तरीके से जो भी फिल्में उस क्राइटेरिया में फिट बैठती हैं, जो प्रसार भारती के नियम के अनुसार हो सकता है दोस्तों, जो फिट बैठता है उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों, इसमें ये पूरा प्रोसेस तो होगा ही, ये एक संकेत है कि बहुत जल्द जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है प्रसार भारती का, वो लॉन्च होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी का अपडेट होना, फिर कंटेंट का अपडेट होना, और फिर नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन आना, एक नोटिफिकेशन 21 सितंबर का भी है दोस्तों, जिसमें भी कुछ इस तरह की बातें प्रसार भारती ने की हैं जो कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी उससे संबंधित, और अब ये 24 सितंबर का नोटिफिकेशन, दोस्तों ये पूरी तरीके से संकेत करता है कि बहुत जल्द आपको ओटीटी ऐप प्रसार भारती का देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों जो 50 फिल्में दिखाई जाएंगी, जैसा कि इस लेटर में बताया गया है, तो एक एक करके दोस्तों हफ्ते हफ्ते वाइज या फिर महीने महीने में एक एक प्रीमियम किया जाएगा, कुछ इस तरह का पूरा अपडेट रहने वाला है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि साल भर तक बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप इस ऐप को देख सकते हैं। जैसे आप डीडी फ्रीडिस तो दोस्तों हमेशा के लिए ही देखते रहते हैं, चार्ज रिचार्ज नहीं करना पड़ता आपको, जबकि जो ओटीटी ऐप है अभी तो जो अनाउंसमेंट है उसमें यह है कि 1 साल तक आप फ्री देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आगे आने वाले समय में जैसा अपडेट रहेगा वो आपको बताया जाएगा प्रसार भारती की तरफ से, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहते हैं समय समय पर। दोस्तों ये पूरा इन्फॉर्मेशन प्रसार भारती के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।